नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम आज एक और नई ऑक्टापैड की वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको ऑक्टापैड में बेसिक जो ड्रम के बेसिक होते हैं उनको आसान तरीके से कैसे बजा सकते हैं इसके बारे में बताएंगे। ये हमारा छठा लेसन है जिसमें हम आपको बेसिक ही बता रहे हैं अभी। तो आगे आगे जैसे वीडियो बढ़ती रहेगी हम थोड़ा सा और आपको इसमें बेसिक से आगे जो भी लेसन होते हैं वो आपको बताएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट किया करें और अपना वीडियो को प्यार ज़रूर दें। वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे जिनको ज़रूरत है, जो इसको देखे कुछ सीख सकें। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आज जो नया जो लेसन है बेसिक पैड का, मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से एक आसान पैटर्न बजा सकते हैं। और ये पैटर्न जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये लगभग मोस्टली बॉलीवुड के बहुत से सॉन्ग्स में इस्तेमाल होता है। आप सुन लेना और उसके बाद आप बहुत से सॉन्ग सुन के देखना, आपको लगेगा, सुनने से ही पता चलेगा कि हाँ ये पैटर्न मोस्टली सॉन्ग्स में बजता है। तो चलिए शुरू करते हैं, बताता हूँ आपको इसमें बेसिक में बजता क्या क्या इसके अंदर। सबसे पहले तो इसमें देखिए मैं आपको सिम्बल्स का बताता हूँ। सिम्बल्स जैसे हम ड्रम पे भी इस्तेमाल करते हैं, पहला तो ये हो गया, दूसरा उसके बाद जो इसको पूरा जब बजाना होता है तो इसी ऐसे शुरू होता है। इसमें इस तरीके से इसको हमें बजाना है। उसके बाद जिसमें रोलिंग इसमें यूज़ होती है उसको देखिए मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल स्लो में बताता हूँ कैसे इस्तेमाल करना है रोलिंग को। हम इसको बजा रहे हैं जैसे स्लो में, इसी तरह चलते चलते में आपको क्या करना है, जैसे हमारा ये लेफ्ट हैंड जो यहाँ पे चल रहा है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये ऐसे ही हमें चलाते हुए इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है स्नेयर्स और टॉम पे। तो इस तरह से इसमें आप ये पर रोलिंग ले सकते हैं बीच बीच में। उसके बाद इसमें जो एक रोलिंग और हम लेते हैं जो नॉर्मल हम रोलिंग बजाते हैं, ये इसमें कैसे बजानी है, जैसे देखिए पैटर्न चल रहा है, तो एक आप इसको इस तरह से बजा सकते हैं, इसमें रोलिंग ऐड कर सकते हैं। और एक और तरीका बता देता हूँ इसमें आप रोलिंग ऐड करने का, हो सकता है कि आपको साउंड क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा अच्छी ना मिल रही हो, क्योंकि मेरे पास ये छोटे स्पीकर्स ही हैं तो इनमें क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आ पाती, लेकिन हाँ सफिशेंट क्वालिटी होती है जो जिससे आप समझ सकते हैं। तो मैं आपको एक रोलिंग और बताता हूँ इसमें कैसे ऐड कर सकते हो आप, वही सेम पैटर्न चल रहा है। Thank you.
इसमें आप इसको पैटर्न को बड़ा ही सिंपल तरीके से इस तरह से बजा सकते हैं। मैं आपको इसमें इंस्ट्रूमेंट भी बता देता हूँ क्या क्या है। वैसे इसमें सिंपल कोई ड्रम वाले ही सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे देखिए ये बंद सिंपल है, ये ओपन सिंपल है, यहाँ पे क्लैप और किक है, और यहाँ पे किक और सिंपल, ऊपर टोम, ये यहाँ पे स्नेयर है, ये टोम्स है, और एंड में क्रैश हाई हैट। तो इसको आप बड़ी आसानी से बजा सकते हैं, बहुत सिंपल ही है, बहुत सिंपल पैटर्न है। बाकी इसमें आप ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से कुछ भी बजा के, जैसे कुछ भी आप इसमें बजा सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे भी आपको बजाना अच्छा लगता हो, वो आपकी प्रैक्टिस पे बात है। आप जितना जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे इसको आपको उतना ज़्यादा समझ में आता रहेगा। लेकिन आप जब भी स्टार्ट करें तो उसको स्लो से बजाना शुरू करें, ये ना हो कि आप पहली बार में सोचें कि बहुत ज़्यादा स्पीड में बजाने की तो उससे बैलेंस नहीं बन पाता, उससे क्लियर नहीं सुनाई देता। इसलिए आप जब भी प्रैक्टिस करें तो स्लो में करें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट जरूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वो बताएं, अगर आपको कोई कमी लगती है तो मुझे वो बताएं, और अगर आपको कुछ पूछना है तो वो भी बता सकते हैं। जैसे कि हमारा दोस्त है वो कमेंट करता रहता है, वो अलग अलग बीट्स के बारे में बोलता है, तो मेरी कोशिश रहती है उसकी जो उसके कमेंट्स हैं जो भी बीट बोलता है मैं उसको उसकी वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड करूँ। मैं उस भाई को बोलना चाहूँगा कि जो भी वो वीडियो बता रहा है मैं उसकी वीडियोस बहुत जल्दी डालूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।